अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करने लगे हमारा अगला यूनिट मेडिसिन का, विच इज नेफ्रोलॉजी एंड एसिड बेस बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस लिहाज से जाहिर से क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा कुछ लोगों को कंसेप्चुअल इस सेंस में लगता है कि इसमें थोड़ी समझने वाली चीजें, खासतौर पर एसिड बेस बैलेंस में, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत आसानी से इंशाल्लाह पूरी कोशिश मैं करूंगी अपनी तरफ से कि जितना आसान तरीन होकर आपको समझा सकूं और आपको ये आराम से कवर हो जाए। ये और सीएनएस इसके बाद मेडिसिन का मैं कराऊंगी, क्योंकि वो यूनिट्स हैं जो कि थोड़े कम टच हुए हैं। ये मैं कोशिश पूरी है कि ये मैं सितंबर में आपको खत्म करा दूंगी। उसके बाद जो आपके मेडिसिन के रह जाएंगे ना, हेमेटोलॉजी, रिमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड साइकेट्री, ये अगर इनमें से टाइम बचा तो सितंबर में कुछ भी जो भी जिसका टाइम बचा मैं करा दूंगी। लेकिन अक्टूबर स्टार्ट होता है तो फिर मैंने गायनी और पीड्स इंशाल्लाह शुरू करने, क्योंकि वो बिल्कुल भी अनटच्ड है। और फिर अगर विल गेट टाइम तो विल डू दीज लेफ्ट ओवर, ये जो यूनिट्स रह गए मेडिसिन के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आसान है यूनिट्स, इनमें से बहुत आसान बातें, इनमें से कुछ बहुत मुश्किल नहीं होता। जितने तकरीबन बड़े बड़े थे, जो ज्यादा वेटेज रखते थे, वो सारे इंशाल्लाह कवर, बहुत सारे हो चुके हैं और कुछ एक दो रह गए हैं। ठीक है, तो वही बात है कि मैं यहां पर भी आपको जब नेफ्रोलॉजी पढ़ाऊंगी तो जितने भी वो टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं मैं ज्यादा अच्छे से कराती जाऊंगी आपको। और अगर कुछ रह जाएंगे टॉपिक्स जो करने वाले तो वो आपने रीड जरूर कर लेने। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कुछ ऐसी सिलसिला था कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि जब भी हम रीनल डिजीजेस शुरू करते हैं तो आपको पता है किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम में बहुत सारी डिजीजेस आ जाते हैं। खासतौर पर यहां पर हम किडनीज की बात करते हैं, तो किडनी में आपको पता है कि एक आपका अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो एक आपका ग्लोमेरुलस होता है जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, फिर आपका पूरा एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक आपका ये वाला सिलसिला होता है जिसमें हम कहते हैं ग्लोमेरुलर डिजीजेस, फिर हमारे पास एक होती है जो रीनल ट्यूबुलर डिजीजेस होती है, फिर ये चीजें जहां पर पड़ी हुई होती है जिस इंटरस्टिशियम में उसकी कुछ डिजीज होती है जिनको हम इंटरस्टिशियल डिजीजेस कहते हैं, फिर कुछ आपके वैसे जनरल बात हम करते हैं किडनी फेलियर्स, ये एक्यूट क्रॉनिक, देयर आर मल्टीपल एंटिटीज। लेकिन एक ऐसा सिंड्रोम्स है हमारे दो जो के प्रेजेंटिंग कंप्लेन होते हैं पेशेंट की बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस में, वो बहुत कॉमनली होते हैं। और ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अलग से भी एक क्वेश्चन के तौर पे आई जाती है, तो इस वजह से हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। दिस इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली तीन चीजों का एक मिलकर एक सिनेरियो बनता है जिससे पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करते हैं लेके, और आपने ढूंढना होता है कि इसमें कॉज क्या है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने इसमें पेशेंट को लेके चलना है ताकि आप यू कैन मैनेज द पेशेंट इन अ वेल वे। या आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता होता है एसीक्यू में भी, एमसीक्यू में भी, वाइवा ऑस्पी हर चीज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का करेक्टरिस्टिक या क्राइटेरिया क्या है कि इसमें पेशेंट को होता हैवी प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या मतलब है, यूरिन प्रोटीन में उसके रिलीज हो रही होती है, वो भी मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है, 3.5 से कम होगी तो वो आपका माइल्ड लो प्रोटीन यूरिया होता है, वो हैवी नहीं होता। ठीक है, हैवी प्रोटीन यूरिया होता है, उसके साथ पेशेंट को हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जब आपकी प्रोटीन्स लूज होकर यूरिन में जा रही है तो बॉडी में तो प्रोटीन्स का लेवल कम हो जाएगा, उनमें से हर प्रोटीन ही मैनिफेस्ट करती है, लेकिन हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया पर्टिकुलर होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए। एल्ब्यूमिन का लेवल सीरम में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया विच इज लेस देन 3 ग्राम्स पर डे तो नहीं होता, लेस देन 3 जो आपका होता है मिली ग्राम्स पर डेसीलीटर। ठीक है, 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर सीरम में इसका लेवल हो जाएगा। और तीसरा है आपका एडिमा। अब आपको पता है कि एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है बॉडी में, कि उसमें ऑनकोटिक प्रेशर वेसल्स में मेंटेन रखना होता है। ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब यह है कि ये वेसल्स हैं, इनके अंदर फ्लूइड मतलब पूरा ब्लड है, ब्लड के अंदर फ्लूइड है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और साथ ब्लड सेल्स है सारे। ठीक है, तो ये प्लाज्मा इस वेसल्स के अंदर रहता है इस वजह से क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन ने अंदर एक प्रेशर मेंटेन किया है जिसको हम कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। ये सारी पुरानी बात है। ठीक है, ये ऑनकोटिक प्रेशर नहीं होगा अगर आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन बॉडी में से या ब्लड वेसल्स में से निकल जाए। सॉरी अच्छा, तो यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यही प्रॉब्लम हो रही होती है कि आपकी एल्ब्यूमिन निकल जाती है, एल्ब्यूमिन जब बॉडी से वैसे इसका लेवल बहुत कम हो जाता है तो ये ऑनकोटिक प्रेशर ब्लड वेसल्स के अंदर मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से सारा प्लाज्मा लीक आउट होके ब्लड वेसल से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा और बॉडी में वो क्या अपेयर होगा, एडिमा के तौर पर। पेरिओर्बिटल पफिनेस होगी पेशेंट को, स्पेशियल स्वेलिंग होगी, पीडल एडिमा होगा, पाओं पे उसको सूजन आ जाएगी, चेहरे पे सूजन होगी अगर लेटा हुआ पेशेंट है, तो सैक्रल एडिमा होगा। ठीक है, तो ये पेशेंट की तीन बहुत इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ आते हैं। उसके साथ आपने दो और भी लिखनी होती है, विच इज एक है आपकी हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का लेवल ज्यादा हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है, दो रीजन अभी तक उसकी, दो वैसे तो बहुत सारी है लेकिन जो दो मेजर आपने याद रखनी, एक तो ये कि किडनी में क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है क्यों है तब है जब किडनी में कोई मसला होता है, तो या तो किडनी में जो लिपिड्स की एक्सक्रीशन जिस हद तक किडनी में हो रही थी वो नहीं हो पा रही, उसकी वजह से ब्लड में लिपिड्स एक्युमुलेट हो रही है। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम होती है और दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास जो लिवर है ना,
जब लिवर के पास देखता है कि उसमें एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होता है, होता है लिवर में ही एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज होना है, तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया के रिजल्ट में लिवर में फैटी एसिड की सिंथेसिस ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट। बस आपसे, क्योंकि वाइवा में ये पूछते होते हैं, इनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो पूछते हैं पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, बच्चे ये तीन बताते हैं, फिर वो कहते हैं और क्या होता है, फिर बच्चों को पता होना चाहिए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपरलिपिडीमिया होता है। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है, उसकी दो कॉजेज है, एक तो एक्सक्रीशन सही नहीं हो पा रही, और दूसरा है कि लिवर में इसकी सिंथेसिस ज्यादा होती है, इट इज ड्यू टू हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तो एक हो गया हाइपरलिपिडीमिया होता है, और उसके बाद आपके पास हाइपरकोएगुलोपैथी होने लग जाती है। ठीक है, हाइपरकोएगुलोपैथी का मतलब है कि आपकी जो कोएगुलेशन प्रोफाइल है वो भी खराब हो रही है, बॉडी में एक कोएगुलेबिलिटी की स्टेट बढ़ गई है, बॉडी में क्लॉटिंग ज्यादा शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसकी भी वजह ये होती है कि आपके पास जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, जो बॉडी का एक बड़ा ही अपना इंपॉर्टेंट नेचुरल एंटी क्लॉटिंग है, एंटी थ्रोम्बिन 3। ठीक है, अब होता है हमारी बॉडी में कुछ नेचुरली क्लॉटिंग फैक्टर्स या कुछ एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म, उनमें से एंटी थ्रोम्बिन 3 इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ये ज्यादा लूज हो रहा होता है किडनी से। ठीक है, कुछ चीजें लूज ज्यादा हो रही होती है, कुछ चीजें रिटेन हो रही होती है, तो ये लूज ज्यादा हो जाते हैं एंटी क्लॉटिंग। जब लूज ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी में कोएगुलेशन ज्यादा होती है, जगह जगह पर क्लॉट्स बनते हैं, वो क्लॉट्स आपकी बॉडी में डीआईसी तक कर सकते हैं। ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। तो ये पांच चीजें आपने नहीं भूलनी, और कोशिश करें जब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम लिखें ये पांचों की पांचों लिखें। अच्छा, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कर सकती है। ये तो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हमने बता दी ना पेशेंट की, उसको प्रोटीन यूरिया होगा, उसका एल्ब्यूमिन का लेवल कम होने की वजह से उसको एडिमा हो जाएगा, लिपिड का लेवल ज्यादा हो जाएगा, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया हो जाएगा, जेंथेलेस्मास बन सकते हैं उसकी आंखों के गिर्द, उसको ओबिसिटी होगी पेशेंट को, और उसके बाद उसको जगह जगह पर कोएगुलोपैथी की वजह से उसको हो सकता है कोई पर उसकी टांगों में ब्रूजेस पड़ने लग जाए, ब्रूजेस की वो तो चलो ब्लीडिंग का निशान होता है, उसको टांगों में दर्द होना शुरू हो जाए। ये जो टांगों का दर्द होता है उसका मतलब होता है कि कहीं पर आपका क्लॉट फंसा हुआ है, क्लॉट की वजह से जिस जगह पर ब्लड नहीं जा रहा वहां पर इस्कीमिया है, इस्कीमिया की वजह से इस्कीमिक पेन होती है उस जगह पे। तो टांगों में क्योंकि क्लॉट्स ज्यादा कॉमनली बनते तो टांगों में इस्कीमिक पेन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पांच चीजें आपने नहीं भूली। ये तो प्रेजेंटिंग कंप्लेनों की कॉजेज क्या क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जो ग्लोमेरुलर डिजीजेज है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करती है। मैंने भी आपको बताया था ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसकी डिजीजेज क्या क्या होती है वो हम डिटेल में डिजीजेज डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ अगर नाम बता दूं तो मिनिमल चेन डिजीज है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, और आईजीए नेफ्रोपैथी है। ये सारी वो डिजीजें जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करती है, सबकी डिटेल हमने करनी है अभी बाद में। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लोमेरुलर डिजीजेस का एक ग्रुप है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज्यादा करते हैं, और आपको इनके नाम भी पता होंगे, अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो नाम वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। पर कुछ सिस्टेमिक डिजीजेस भी हैं जो किडनीज को ऐसा डैमेज करती हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह मैनिफेस्ट होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मेलिटस। आपके पास बहुत ज्यादा सिनेरियो आपको देते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट्स आर नॉन डायबिटिक पेशेंट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ कह देते हैं स्वेलिंग अराउंड द फेस, ठीक है, एंड पीडल एडिमा, और आपने एग्जामिनेशन की तो यू फाउंड प्रोटीन पॉजिटिव इन द यूरिन, और उसके साथ पेशेंट को एडिमा तो है ही है, और उसके बाद आपने ब्लड शुगर चेक की तो इट इज 400 या कुछ इस तरह से रैंडम ब्लड शुगर। इसका मतलब है कि पेशेंट डायबिटिक है, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी उसको डेवलप होगी, जिसके रिजल्ट में उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट किए। तो आप उसमें पूछते हैं डायग्नोसिस जब आपसे, तो आपने लिखना होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम सेकेंडरी टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, ये बात होती होती है। तो सिस्टेमिक डिजीज में डायबिटीज बहुत कॉमनली डायबिटिक नेफ्रोपैथी करती है, और उसमें आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। उसके अलावा जो सिस्टेमिक डिजीज है वो भी आपने भूली नहीं है, एक है आपकी अमाइलाइडोसिस। ठीक है, अमाइलाइड प्लेक्स इसमें बनते हैं, वो किडनी में डिपॉजिट होते हैं और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे फीचर्स आते हैं। फिर आपकी SLE है, ठीक है, जिसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट अदर ऑटो इम्यूनिटी के फीचर्स होते हैं, यानी मेलर रैश होती है, पेशेंट को मुंह पे बटरफ्लाई रैश होगी, एलोपीशिया होगा, हेयर लॉस होती है, आर्थराइटिस होता है, तो SLE के तो बहुत सारे और सिम्टम्स है, एनीमिया वगैरह वगैरह। ठीक है, देन यू हैव कुछ आपके इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स है कि जो पेनिसिलामीन या गोल्ड ड्रग्स है, कुछ इन्फेक्शन आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम कर देते हैं जो किडनी पे आके डैमेज करते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी सी HIV बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मलेरिया। ठीक है, और जो आपके जितने भी कैंसर्स हैं वो तो किडनी को डैमेज कर ही कर सकते हैं। तो सिस्टेमिक डिजीजेज में जितनी मैंने चीजों के नाम लिए SLE के बाद मेरे जो नाम लिए वो आपने लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, अब पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे वो तो मैंने आपको तकरीबन मेनली बता दें कि किस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे कॉमनली जो प्रेजेंट उसे करने की चीज होती है वो एडिमा ही होता है। ठीक है, सबसे कॉमनली पेशेंट या तो फेस पे स्वेलिंग होगी, पांव पे स्वेलिंग होगी, या किसी भी जगह पे स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बाकी चीजों को उसको खुद नहीं पता होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मोस्ट प्रॉब्ली पेशेंट स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। फिर वही बात है कि कोई डिजीज खास किस्म की हो तो उसके फीचर्स हो सकते हैं, जैसे अगर पेशेंट को SLE होगी तो उसके मुंह पे बटरफ्लाई रैश होती है, बड़ी कैरेक्टरिस्टिक सी उसके पेशेंट के फेस पे रैश होती है, वो उस रैश के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ज्यादातर नजर आने वाली चीजों के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो रैश के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं SLE के।
इसी तरह जो डायबिटीज के पेशेंट्स होंगे उनको हो सकता है डायबिटीज की बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो रही हो, नेफ्रोपैथी से पहले हो सकते हैं उनको, आपको पता है डायबिटीज की जो तीन माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी एंड न्यूरोपैथी, तो हो सकता है पेशेंट न्यूरोपैथी के साथ प्रेजेंट करो कि मुझे उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, हो सकता है वो कहे कि मुझे अचानक से नजर आना कम हो गया, उसको रेटिनोपैथी हो, तो अगर ऐसी चीज होगी तो आपने देखना होता है कि एसोसिएटेड क्या क्या है, क्योंकि फिर आपको वो डायग्नोसिस की तरफ पहुंचाएगी। तो अगर आपके पास ऐसी चीजें आ रही है कि रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी है तो डेफिनेट सी बात है कि पेशेंट डायबिटिक है और उसको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा अगर पेशेंट की कोई हो सकता है कि हाइपरकोएगुलेबिलिटी की स्टेट चल रही है तो उसमें आपने लाजमी जो देखना होता है वो ये कि उसकी डीवीटी तो नहीं है, डिजिटल वीनस थ्रोम्बोसिस, क्योंकि आपको मैंने बताया कि टांगों में डिजिटल वेन्स में बहुत कॉमनली थ्रोम्बस बनते हैं, तो आपने डीवीटी के लिए एग्जामिन करना होता है, पल्मोनरी वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए एग्जामिन करना होता है, क्योंकि बहुत ग्रेव कॉम्प्लिकेशन है कि क्लॉट बनता है, वहां से डिसलॉज होता है, आपकी पल्मोनरी वेन्स में आता है और आकर उसको ब्लॉक कर देते हैं, मेजर पल्मोनरी वेन ब्लॉक हुई, पेशेंट को सांस नहीं आता, पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो यू हैव टू एग्जामिन फॉर दैट। एंड देन ऑफ कोर्स कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कर सकते हैं, तो जाहिर उसके लिए फिर पेशेंट के बाकी एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं, फीवर एंड अदर है, ठीक है, तो पेशेंट क्लिनिकल फीचर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, लेकिन जैसे आपने आपको बताया कि आपकी ग्लोमेरुलर डिजीजेस हैं तो वो उसके पेशेंट ज्यादातर एडिमा के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ यूरिन में प्रॉब्लम हो गई, फ्रॉदी यूरिन आ रहा है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया में अक्सर फ्रॉदी यूरिन आता है, ऐसे फीचर्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करानी है, बहुत सिंपल से यूरिन आ रही कराएंगे, इसमें आप प्रोटीन यूरिया देखेंगे, देखना तो बाकी चीजों को भी होता है लेकिन मिलेगा आपको प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव, ब्लड बहुत ही कम होता है किसी इनमें से, कोई ऐसी डिजीज शायद होती है जिसमें थोड़ा बहुत हिमैच्यूरिया हो, वरना नहीं होता, लेकिन प्रोटीन पॉजिटिव, ठीक है, चार दफा। उसके बाद आप 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन करा के देखते हैं, डेफिनेटली इसमें आपको पता चलता है कि 24 आवर्स में मोर देन 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन निकल रही है, जिसका मतलब होता है हैवी प्रोटीन यूरिया, ठीक है, यूरिन आरी में तो आपको एक दफा की पता चलेगी ना, 24 आवर्स में आपको पूरे दिन में पता चलेगा कि 3.5 ग्राम से ज्यादा, या आपने डॉक्यूमेंट करने के लिए जरूरी है कि नेफ्रोटिक है या नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, कि नेफ्रोटिक में 3.5 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर सीरम एल्ब्यूमिन लेवल लेस देन 3 मिलीग्राम्स पर डेसिलेटर होगा, ठीक है, ईएसआर मोस्टली रेज होता है क्योंकि ज्यादा जो ग्लोमेरुलर डिजीज है वो भी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, तो ईएसआर अक्सर रेज होते हैं। ब्लड शुगर आप तब करेंगे अगर आपको डायबिटीज का शक हो, तो ब्लड शुगर रेज आएगी। सीरोलॉजी हेपेटाइटिस बीसी की वो भी तब करेंगे जब आपको किसी इन्फेक्शन के साइन मिले, मतलब आपको लगता है कि कोई उसको जॉन्डिस है साथ, या कोई और लिवर के साइन सिम्टम्स है, उसको कोई एस्टेरेक्सिस है, उसको कहीं पर बॉडी में खारिश होती है जिसको जो हो जाती है हेपेटाइटिस बीसी के पेशेंट्स को, तब आपने ये करानी है। चेस्ट एक्सरे आपने मेलिग्नेंसी को देखने के लिए कराना है, क्योंकि अक्सर जितनी भी मेलिग्नेंसीज होती है वो चेस्ट में बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज करती है। टीबी का टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि टीबी आपको पता है बहुत पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो इस वजह से इसको चेक करने के लिए भी हो जाता है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन किडनीज को पर्टिकुलरली देखने के लिए कि उनका साइज शेप नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। एएसओ टाइटर ब्लड का इसलिए ताकि आप जो पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है उसको रूल आउट करें, जो बच्चों में बहुत कॉमन है, गले का इन्फेक्शन होता है और उसमें बाद में वही स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो आपकी किडनी को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, तो उसका टॉक्सिन होता है बेसिकली, तो एएसओ टाइटर उसके लिए कराते हैं। और जब आपको कहीं और नई चीज मिलती तो फिर आप रीनल बायोप्सी कराते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज है जो आप बगैर रीनल बायोप्सी कराए ही ट्रीट कर लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी डिजीजेज है जैसे आपकी जो ग्लोमेरुलर डिजीजेज है इनमें भी आपकी जरूरत, अगर आप पूछे ना आपसे कोई डेफिनेट डायग्नोसिस क्या है, तो ग्लोमेरुलर डिजीजेस का जैसे मिनिमल चेन डिजीज है तो डेफिनेट डायग्नोसिस उसका रीनल बायोप्सी है, बायोप्सी करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन आप नहीं करते इतनी इन्वेसिव टेस्ट, क्योंकि अगर आपको एक बच्चा मिला है, बच्चा कंप्लेन कर रहा है फ्रॉदी यूरिन की, आपने उसकी 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन और यूरिन आरी कराई, प्रोटीन पॉजिटिव आए, एल्ब्यूमिन उसका कम आया है, ठीक है, एडिमा उसे डेवलप हो रहा है, तो आप और कोई फीचर नहीं है और कोई मसला नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको मिनिमल चेन डिजीज है, तो आप उसको स्टीरॉइड देते हैं, हाई डोज स्टीरॉइड से बच्चे रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। नहीं ठीक होता, मसला बढ़ रहा है, तो फिर आप बायोप्सी कराते हैं, तो बायोप्सी कभी भी जल्दी नहीं करानी होती। और इसकी मैनेजमेंट भी इसी तरह से कि आपने पहले पेशेंट को डाइट में रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि हैवी प्रोटीन्स नहीं लेनी और थोड़ा सॉल्ट भी रिस्ट्रिक्ट करना है, डायबिटिक्स नॉट ऑलवेज, इसके लिए बेसिकली जो मैनेजमेंट है ना वो डिपेंड अपॉन द कॉज होती है, जो कॉज है आपने उसको ट्रीट करना है। लेकिन मैं आपको यहां पर बताती हूँ कि अगर आपके क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर पेशेंट को हाइपोएल्बुमिनेमिया डेवलप हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो मिनिमल चेन डिजीज या फिर ग्लोमेरुलर डिजीजेस में होते हैं, तो आपने ट्रीट द कॉज ही को रखना है, मेनली जो उसकी कॉज है आप उसके हिसाब से उसको दवाई देंगे। जैसे मिनिमल ज्यादातर ग्लोमेरुलर डिजीजेस की जो ट्रीटमेंट है वो स्टीरॉइड्स ही है, ठीक है, स्टीरॉइड्स ही उनकी होती है, फिर प्लाज्मा फेरेसिस होती है, प्लाज्मा को आप साफ करते हैं, यही आपने ट्रीटमेंट देनी होती है। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक बड़ा मसला होता है सोडियम रिटेंशन का, सोडियम रिटेन हो रहा होता है, तो सोडियम रिटेंशन है अगर पेशेंट को तो उसके लिए आप उसको डायरेटिक्स दे सकते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं कि लो सोडियम डाइट, तो आपने ये साथ लिखते जाना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, डायरेटिक्स एंड लो सोडियम डाइट, वरना डिविडसन में बातें लिखी हुई है, मतलब आपको मिल जाएंगी लिखी हुई। अच्छा, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया है, अगर पेशेंट को आपको नजर आ रहा है कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, 20 हो रहे हैं, एंथेलेस्मास हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है,
तो आप उसको पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए स्टेटिन्स दे देते हैं, वो ड्रग्स जो कि कोलेस्ट्रॉल को लो करती हैं। अगर उसको कैलकुलेशन बहुत खराब हुई है, उसको क्लॉट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो फिर आपने लाजमी तौर पर पेशेंट को एक तो देखना है, ट्रीट द कॉज तो करनी करनी, उसके साथ आपने पेशेंट को एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए कोई हेपरिन फोंडापेरिनेक्स टाइप मेडिसिन दे देनी है। और इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है आपने वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक का कवर देना है, एंड द मेन थिंग इज ट्रीट द कॉज। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी को मसला के नाज में। थैंक यू।